हेलो दोस्तों, आज हमारी क्लास 5th क्लास है एवरेज टॉपिक के ऊपर। बच्चों के कमेंट आ रहे हैं बहुत सारे कि सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। बेटे, अच्छा समझ में आने का रीजन है क्या है? रिदम में होना। मैंने जो क्वेश्चन लगाए हैं एक साथ कैसे लगाए हैं कि एक ही टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लिए, तो यदि आप क्वेश्चनों को एक ही रिदम में पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में। बड़े आज क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा एवरेज का, बड़े पहला क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज कैलकुलेटेड एज 15, कि 10 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है? 15 है। इट इज डिस्कवर्ड लेटर ऑन दैट व्हाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज वन नंबर नेमली 36 वाज रॉन्गली रीड एज 26। क्वेश्चन कह रहा है बेटे कि बाद में हमें पता चला है कि एक नंबर हमारा 36 था, उसे गलती से हमने 26 ले लिया। द करेक्ट एवरेज इज, तो हमारा सही एवरेज क्या होगा? बेटे इस क्वेश्चन को कैसे करना है? बेटे टोटल संख्या कितनी है हमारी? 10। और 10 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है? 15। तो सभी संख्याओं का सम कितना आएगा? 50 आएगा। कि 10 संख्याओं का जो टोटल सम होगा वो कितना होगा बेटे? 150 होगा। लेकिन इसने बोला है कि एक संख्या 36 थी, उसे हमने कितना ले लिया? 26। अगर 26 लिया है तो बेटे ये जो सम है ये वाला हमारा कैसा होगा? गलत होगा, रॉन्ग आएगा। फिर तो ये हमारा सम जो आया होगा क्या होगा? रॉन्ग होगा। तो बेटे हमें अपनी गलती को सुधारने के लिए क्या करना होगा कि जो हमने रॉन्ग नंबर इसमें ले रखा है, कितना लिया था? 26, उसे माइनस कर लो यहां से। तो माइनस करोगे कितना आएगा बेटे? 124 आएगा। कि हमने जो गलत नंबर ऐड कर लिया उसे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और माइनस करने के बाद अपना जो सही नंबर है 36 उसे ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद कितना आएगा? ये 160 हो जाएगा। बेटा जो हमारा सही सम होगा वो कितना आएगा? 160 आएगा। तो एवरेज निकाल देंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे? टोटल सम को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर से। और नंबर कितने हमारे? 10। 10 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा हमारा? 16 आ जाएगा बेटे, आंसर होगा। ठीक है, क्या करना होगा? आपको पहले सभी संख्याओं का सम निकालना है। सम कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर और एवरेज की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा सम निकल कर आ जाएगा। उसके बाद जो हमने गलत नंबर ऐड किया है उसे माइनस कर लेंगे, और माइनस करने के बाद अपने सही नंबर को फिर से ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल सम सही निकल के आ जाएगा बेटे 107। फिर हमें उसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना होगा? उस सम को टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो सम आया 107, टोटल नंबर 10 है, 10 से डिवाइड करके कितना आएगा बेटे आपका? 16 आंसर होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्लियर है? अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटे। अगला क्वेश्चन है आपका बेटे, द एवरेज ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 13। 25 परिणामों का जो औसत है वो 13 है। इट वाज लेटर फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 73 वाज रॉन्गली इंटर्ड एज 40। कहने का अर्थ क्या है कि एक संख्या या परिणाम हमारा 73 था, उसको गलती से क्या कर दिया हमने? 48 नोट कर दिया। अगर 48 नोट कर दिया तो हमारा अब नया एवरेज क्या निकल के आएगा वो आपको बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन 12.6, दूसरा 15, सी ऑप्शन 14 और डी ऑप्शन 13। बेटे फिर से क्या करना होगा? सेम रूल रहेगा पिछले क्वेश्चन पर है। बेटे संख्या कितनी है हमारे पास? परिणाम जो है 25 है। 25 परिणाम का जो टोटल है वो कितना है? तो एवरेज दे रहे हैं, तो
उनका टोटल सम कितना आएगा, 13 × 5 = 65, 6 बचेगा, 13 × 2 = 26 और 6 = 32, 25 संख्याओं का जो टोटल बनेगा बेटे वो आएगा 325। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या 73 को गलती से 48 लिख दिया, तो गलत नंबर कौन सा होगा बेटे जिसे हमने लिखा है, और लिखा किसको है 48 को, तो 48 को क्या कर देंगे यहां से माइनस कर देंगे, 15 में से 8 - 7, 1 बचेगा, 11 में से 4 - 7, बेटे गलत संख्या को हमने माइनस कर दिया तो कितना आया 277। अब हमारी सही संख्या क्या थी 73, 73 को प्लस कर देंगे, 7 × 3 = 10, 14 × 1 = 15, तो हमारा बेटे टोटल जो सही आएगा वो 350 है टोटल सम। अब एवरेज निकालना है तो बेटे 350 को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से, तो टोटल नंबर कितने हैं 25, 25 से भाग करेंगे बेटे, 25 से कम 25, 10 बचेगा 0, 25 × 100 तो हमारा एवरेज बेटे कितना आ जाएगा 14 निकल कर आएगा, तो फिर से हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा सही होगा। बहुत ही आसान है, ज्यादा घूमना नहीं है बेटे। आगे क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन हमारा द मीन वैल्यू ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 75, 20 परिणामों का जो औसत है वो कितना बेटे 75 है, बट लेटर ऑन इट वाज डिटेक्टेड दैट 97 वाज मिस्ड एज 79। एक संख्या 97 को गलती से क्या ले लिया हमने 79 पढ़ लिया गया, इसका सही माध्य ज्ञात की ऑप्शन दे रखे बेटे, पहला ऑप्शन 75.7, सेकंड 75.8, थर्ड 75.9, 75.6, लास्ट ऑप्शन बेटे। सॉल्व करो क्या बनेगा आंसर इसका, दो क्वेश्चन करा दिए बेटे, तीसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप। क्या बनेगा आंसर बताओ जल्दी से कमेंट में हमें। कितनी संख्या थी 20, एवरेज कितना है 76, टोटल कितना होगा 1500। अब क्वेश्चन कि हमारा नंबर कितना था 97, लेकिन ले कितना लिया 79, तो बेटे जो नंबर हमने लिया है 79 इसे क्या करेंगे माइनस, 10 में से 9 - 1, 9 में से 7 - 2, 4, 1 ये आएगा हमारा 1421। अपने सही नंबर को इसमें जोड़ लेंगे, 7 और 1 = 8, 9 × 2 = 11, ये आ गया बेटे 1518। एवरेज निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे इसको, डिवाइड कितने से करोगे 20 से, बेटे 2 से डिवाइड कर रहे हैं 10, 2 से 2 × 7 = 14 है, 1 बचेगा, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18। अब 10 का बेटे पॉइंट लगा देंगे क्या आएगा 75.9, 76.9 हमारा क्या बन जाएगा इसका बनेगा, तो यहां पर हमारा बेटे डी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। तो आपको सारे क्वेश्चन जो गलत संख्या वाले बेटे वो ऐसे ही करने हैं। क्या करना होता है, पहले टोटल निकाल देते हैं, टोटल में से गलत नंबर को माइनस कर देना है और उसके बाद जो हमारा सही नंबर है उसको प्लस कर देना है, और एवरेज निकालने के लिए फिर से उसको लास्ट में डिवाइड कर देंगे। क्लियर होगा आगे क्वेश्चन, देखो बेटे क्या बनेगा क्वेश्चन का आंसर।
क्वेश्चन है आपका, द मीन ऑफ 100 आइटम्स वाज 46, कि 100 वस्तुओं का औसत 46 है. लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट एन आइटम 16 वाज मिसरीड एज 61. एक संख्या 16 को गलती से कितना पढ़ लिया गया, 61. एंड एनोदर आइटम 43 वाज मिसरीड एज 34. इट वाज आल्सो फाउंड दैट द नंबर ऑफ आइटम्स वाज 90 एंड नॉट 100. देन व्हाट इज द करेक्ट मीन, तो इसका सही औसत क्या होगा बेटे. इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक तो कंडीशन ये है कि 100 वस्तुओं का औसत 46 था, बाद में पता चला कि एक संख्या 16 को गलती से 61 पढ़ लिया गया, तो एक चेंजिंग तो यही हो रही है, 16 को क्या ले लिया, 61. दूसरी कंडीशन 43 को 34 पढ़ लिया गया. अब इसमें एक कंडीशन और लगाई है, यह भी पाया गया कि जो संख्या है हमारी 90 थी न कि 100. कि हमने जो शुरू में 100 माना, ये 100 नहीं है, ये कितनी थी, 90 थी एक्चुअल में. तो क्या होगा बेटे इसका आंसर, बेटे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन जैसे पिछला सॉल्व हुआ था. तो सबसे पहले हम टोटल निकाल देंगे, कितनी संख्या है 100, 100 का एवरेज कितना मान रखा है 46, तो टोटल कितना हो जाएगा इसका 46. सबसे पहले 100 वस्तु है या 100 संख्याओं का औसत 46 है, हम 100 संख्याओं का टोटल निकाल देंगे जो कितना आएगा हमारा 46 आएगा. अब 16 को गलती से 61 लिया है, कि सही नंबर 16 है जिसे हमने कितना ले लिया गलती से 61. दूसरा सही नंबर 43 है जिसे गलती से हमने 34 लिया है. तो बेटे आप पहले अपना सही नंबर का भी सम कर ले दोनों को, और गलत नंबर को भी सम कर ले. तो सही नंबर का जो सम होगा 6 और 3 9 4 और 1 5, और गलत नंबर का सम होगा 4 और 1 5 3. तो आपको क्या करना है, आपके जो दोनों सही नंबर हैं उनको एक साथ जोड़ लो, और दोनों गलत नंबर को एक साथ जोड़ लो. अब कंडीशन क्या बताई थी, कि जो हमारा गलत नंबर है उसे क्या कर देंगे, माइनस. बेटे 95 को अगर माइनस करेंगे कितना आएगा, 5 0 5 4. कि हमने सम में से गलत नंबर को माइनस कर दिया है, और अपने सही नंबर को 59 को ऐड कर लेंगे, और 5 14, 5 और 1 6 5 4. बेटे यहां तक तो सेम पिछला सा ही क्वेश्चन बन गया, कि टोटल नंबर 100 थे, 100 का एवरेज 46 है, मल्टीप्लाई करके टोटल सम आ गया. उसके बाद इस क्वेश्चन में दो नंबर दे रखे हैं, कि दो नंबर को गलत पढ़ा गया है, तो दोनों सही नंबर को ले लो और दोनों गलत नंबर को ले लो. दोनों सही नंबर का सम है 59, दोनों गलत नंबर का सम है 95. तो गलत नंबर के सम को पहले माइनस कर देंगे, कितना आएगा 4505, और सही नंबर का सम है 59, जिसको ऐड कर लेंगे क्या आएगा 4564. अब एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए 4564 को भाग करेंगे टोटल नंबर से. लेकिन क्वेश्चन ने यह भी बताया है कि टोटल जो नंबर है वो 100 नहीं है, कितने हैं 90 हैं. तो अब की बार इसको हम डिवाइड करेंगे बेटे 90 से, 9 से डिवाइड हो जाएगा 10 पे, 9 5 45, 0 9 7 63, 507. पॉइंट में कितना बचेगा, 1, 9 से भाग किया 9 5 45, 6 आएगा ना जाने की 0 64 हो जाएगा, 9 7 63, 1 बचेगा, पॉइंट लगा लिया 10 कर लिया, 9 1 9, तो ये हो गया हमारा 507.1/10. अब बेटे 10 का भी पॉइंट लगाना है, तो इस पॉइंट को हम एक कदम आगे ले आएंगे, क्योंकि 10 है, कितना आ जाएगा 50.71. कौन सा ऑप्शन सही बनेगा हमारा, अब सी ऑप्शन सही करेंगे 50.7. ठीक है, क्लियर है.
पेट की जरूरत है क्या बेटे? इसमें कुछ नहीं करना था आपको, पहले क्या किया है, सभी का सम निकाला, 100 संख्याओं का सम 46। एक चेंजिंग तो ये है, पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था एक संख्या को गलत पढ़ा था, लेकिन अब की बार संख्या दे रखी है दो, तो दोनों संख्या सही संख्या का अलग सम कर लेना है, गलत संख्या का अलग सम कर लेना है। तो गलत संख्या का जो सम आया है पहले उसे माइनस करेंगे और सही संख्या के सम को प्लस कर लेंगे, तो हमारा टोटल सही निकल के आ जाएगा। इससे आगे हमें एवरेज निकालना है, और एवरेज निकालने के लिए आपको पता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं। लेकिन इसने ये भी बताया है कि जो ऑब्जर्वेशन है वो 100 नहीं थे, वो एक्चुअल में कितने थे, 90 थे, इसी वजह से हमने लास्ट में इसको 90 से भाग किया। ठीक है, आगे बेटे क्वेश्चन। पढ़ो बेटे क्या दे रखा है, 20 विद्यार्थियों की एक कक्षा के विज्ञान विषय में औसत अंक 68 है। यदि दो छात्रों के अंक क्रम से 72 और 61 को वास्तविक अंकों की बजाय 48 और 65 के रूप में गलती से पढ़ लिया गया तो सही औसत क्या होगा? फिर से बेटे पिछले क्वेश्चन तरह है कि एक कक्षा है जिसमें 20 विद्यार्थी हैं, तो इसमें क्या हुआ है कि दो छात्र थे जिनके अंक तो आए थे एक के 72 हैं और एक के 61 दे रखे, लेकिन टीचर से गलती होगी, उसने 72 वाले के ले लिए 48, 61 वाले के ले लिए 65, तो बेटे उनका सम गलत होगा, सम गलत होगा तो एवरेज भी गलत आया होगा, तो आपको उसका सही एवरेज निकालना है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। बेटे फिर से संख्या कितनी है, 20, और उनका एवरेज कितना है, 68, टोटल कितना होगा, 0, 2 8 16 है, 2 6 12 और 1 13, तो उन सभी का जो टोटल आएगा 1360 आएगा। अब दो छात्रों के जो सही अंक हैं, सही वाले की बात कर रहा हूं, सही तो है बेटे, एक तो 78 है और दूसरा 78 नहीं 72 बेटे, दूसरा है हमारा 61। अब गलत कौन से हैं, गलत है बेटे 48 और 65। तो बेटे इनको हम आपस में प्लस कर लेंगे, सही वाले दोनों एक साथ प्लस, 2 1 3 7 6 13 है, गलत वालों को एक साथ प्लस करेंगे, 8 5 13 है, 6 4 10 और 1 11 होगा। कि सही संख्याओं का जो सम है वो 133 है और गलत संख्याओं का सम 113 है, तो गलत संख्याओं के सम को माइनस कर लेंगे इसमें से, 1360 में से 113 को माइनस कर लेंगे बेटे, 7 4 2 1 1247 आएगा, और सही नंबर को प्लस कर लेंगे 133 को, 7 3 10 4 3 7 और 1 8 3 1, तो हमारा जो सही सम आया बेटे वो कितना है, 1380 आया। अब एवरेज निकाल देंगे, 1380 को डिवाइड कर देंगे कितने से, 20 से, 0 से 0 कैंसिल, 2 6 12 2 9 18 बेटे हमारा एवरेज कितना हो जाएगा यहाँ पे, 69 हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। क्लियर, आगे बेटे क्वेश्चन। एक बच्चे की थोड़ी कमेंट में आया था, सर क्वेश्चन साफ नहीं दिखते, आज बेटे जूम कर रखा है क्वेश्चनों को, थोड़ा देख लो। वार्षिक परीक्षा में कक्षा 9th के दो वर्ग ए और बी के गणित के औसत अंक 74 है, 9th क्लास है जिसके दो सेक्शन है, एक सेक्शन ए है और एक बी है, उनके जो एवरेज है बेटे कितना है दोनों का, 74। वर्ग ए के औसत अंक 77.5 77.5 और वर्ग बी के 70 है 70। वर्ग ए और बी के छात्रों की संख्या का अनुपात क्या हो,
नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको बताना है कि सेक्शन ए में कितने हैं और सेक्शन बी में कितने, रेशो फाइंड करना है। क्योंकि तो बेटे नंबर तो तभी निकल के आएंगे जब हमें टोटल नंबर दे रखा। बेटे इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से करोगे, पहले मैं बेटे इसका बेसिक बताऊंगा कि हमारे दो सेक्शन है, एक सेक्शन ए हो गया और एक सेक्शन बेटे बी हो गया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट के बारे में नहीं पता कि कितने विद्यार्थी है, तो हम मान के चल रहे हैं सेक्शन ए में ए विद्यार्थी है टोटल नंबर, और सेक्शन बी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बी है। बेटे ए का एवरेज कितना है, 77.5, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77.5 ए, ये क्या होगा हमारा टोटल नंबर होंगे, अंक होंगे उनके। और बी की अगर मैं बात करता हूं तो 70 बी। कक्षा ए के सेक्शन ए के टोटल अंक ये हैं और सेक्शन बी के टोटल अंक बेटे ये हैं। दूसरा हमें दे रखा है दोनों सेक्शन का एवरेज 74। बेटे एवरेज 74 है, कौन से का है, दोनों का, इट मींस ए प्लस बी। और बेटे दोनों का कंबाइन एवरेज है तो उनके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा, फिर ए प्लस बी बनेगा और ए प्लस बी की मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज में। तो बेटे इन दोनों का सम बराबर होगा इसके, सेक्शन ए के कुल अंक प्लस में सेक्शन बी के कुल अंक बराबर क्या होंगे, दोनों सेक्शन के कुल अंक 77.5 ए प्लस में 70 बी, बेटे गुना करेंगे इसमें 74 ए प्लस में 74 बी हो जाएगा। अब यहां से हम ए को एक तरफ करेंगे, बी को एक तरफ, 77.5 ए माइनस 74 ए, ए को हम आगे लेके आएंगे इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 74 बी माइनस के 70। बेटे अगर माइनस करेंगे कितना बचेगा, 3.5 ए बराबर, इधर कितना बचेगा, 4 बी। इसके बाद बेटे इसमें पॉइंट आ रहा है, पॉइंट के बाद एक अंक है तो मैं यहां पे पॉइंट लगा के एक जीरो रख लूंगा। इसमें बेटे पॉइंट के बाद एक अंक है तो मैंने पॉइंट लगा के जीरो लगा दिया। अब पॉइंट से हमारा पॉइंट बेटे कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 35 ए बराबर 40। अगर ऐसे नहीं करते हो तो पॉइंट को हटाओगे तो नीचे बेटे 10 आएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई से 10 × 4 तब भी 40 बनेगा। डिवाइड कर लेंगे बेटे, 5 से कट गया 7 पे, 5 से कट गया 8 पे, तो ये आया हमारा 7 ए बराबर 8 बी। अब बेटे रेशो क्या बनेगा यहां से, तो रेशो बनेगा हमारा ए रेशो बी आएगा। बेटे ए का मान हमारा 8 होगा और बी का मान बेटे हमारा 7 होगा। ये बात ध्यान रखना, जब भी इक्वलिटी की कंडीशन हो, अल्फाबेट दोनों तरफ हो, तो ए की वैल्यू बनेगी बेटे बी के साथ जो मल्टीपल है, और बी का मान बनेगा जो ए के साथ मल्टीपल, ए का मान 8 बी का मान 7 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ये तो हो गया आपका बेसिक। अब दूसरे तरीके से देखो कैसे कर सकते हो, बेटे एक हमारा दूसरा मेथड है एलिगेशन। अब सबसे पहले तो बेटे एलिगेशन कब अप्लाई करना है, एलिगेशन तब अप्लाई करते हैं बेटे जब हमारे पास दो तो ग्रुप हो और दोनों ग्रुप के बारे में अलग अलग दे रखा हो कि ए ग्रुप में ये है बी ग्रुप में ये है, और तीसरी कंडीशन जो होगी बेटे दोनों ग्रुप को मिला के होगी। जैसे इसमें बताया है ग्रुप ए का एवरेज कितना है 77.5 और ग्रुप बी का कितना है 70, तो दोनों ग्रुप के अलग अलग आपको एवरेज दे रखे हैं, और तीसरी कंडीशन में दोनों ग्रुप का एवरेज एक साथ दे रखा है 74.74। तो इसमें हम एलिगेशन लगाएंगे, बेटे ग्रुप ए का एवरेज कितना है 77.5
77.5 और ग्रुप बी का एवरेज कितना है 70। ग्रुप ए का एवरेज, ग्रुप बी का एवरेज बेटे बीच में रख देंगे दोनों का जो टोटल मिला के दे रखा है 74 ना, बीच में उसको रखते बेटे जो दोनों ग्रुप का एक साथ दे रखा होगा। इससे आगे बेटे डिफरेंस निकालेंगे बेटे इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो इनमें है बेटे आपका 3.5। इन दोनों का डिफरेंस बेटे इधर ही लिखा जाएगा, ध्यान रखना। उसी प्रकार इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 4 का, ये इधर आ जाएगा बेटे। बेटे क्रॉस में ही आपको डिफरेंस लिखना है आपका। अब क्या दे रखा है, इसमें पॉइंट है, इसमें पॉइंट नहीं है, पॉइंट के बाद एक अंक है तो 10 लगा दो और इसका पॉइंट था। एक संख्या में पॉइंट है, एक में पॉइंट नहीं है और पॉइंट के बाद कितने अंक है एक अंक, तो 10 लगा के इसका पॉइंट हटा दो। अब डिवाइड हो जाएगा बेटे 5 से, 5 8 40, 5 7 35, तो इनका रेशो निकल के आ जाएगा बेटे 8:7। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। ठीक है बेटे, तो इस क्वेश्चन में आप एलिगेशन लगाओगे और एलिगेशन के बारे में ध्यान रखना कि कब अप्लाई करना है, फिर से कि दो ग्रुप होंगे दोनों के बारे में अलग अलग जानकारी दे रखी होगी कि पहले ग्रुप का अलग है दूसरे का अलग है, और तीसरी कंडीशन क्या होगी दोनों ग्रुप को मिला के एक साथ दे रखा होगा तो वहां पर आप एलिगेशन लगाओगे। क्लियर, तो इसका बेटे बी ऑप्शन सही है हमारा। आगे क्वेश्चन, एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000 रुपये है, पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 15,000 रुपये है और महिला कर्मचारियों के लिए 8,000। पुरुष कर्मचारियों का महिला कर्मचारियों से क्या अनुपात है। बेटे देखो पिछला सा क्वेश्चन है, आपको समझना है कि एलिगेशन लगेगा या नहीं लगेगा। एलिगेशन लग जाएगा इसमें, कैसे लगेगा, क्योंकि तो हमें पुरुष का एवरेज अलग दे रखा है और महिलाओं का एवरेज बेटे अलग दे रखा है। पुरुष का एवरेज दे दिया और महिला का, दो ग्रुप हो गए। और तीसरा एवरेज क्या दे रखा है, सभी कर्मचारियों का, और सभी कर्मचारी किससे बने हैं, पुरुष और महिला से बने हैं, तो यहां पर भी हम एलिगेशन ही अप्लाई करेंगे। तो कोशिश करो अप्लाई करने की और ऑप्शन बताओ कौन सा सही होगा इनमें से। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है बेटे, देखो फिर से समझो, मेल का अलग है फीमेल का अलग है, मेल का कितना है बेटे 15,000 और फीमेल का कितना है 8,000। हम मेल का अलग रखेंगे फीमेल का अलग, और सभी का कितना दे रखा है 12,000। बेटे डिफरेंस की बात करेंगे, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 3,000 का, और इन दोनों में कितने का डिफरेंस है बेटे 4,000 का। अब रेशो बना देंगे, रेशो बनाएंगे तो 3,0 से 3,0 कैंसिल, क्या बचेगा 4,3, है ना आसान सा क्वेश्चन। बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, बस आपको ये पता करना है कि एलिगेशन अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। बेटे इसका आंसर हो गया 4,3, बी ऑप्शन सही है। आगे बेटे क्वेश्चन, पढ़ के देखो बेटे क्या बन रहा है क्वेश्चन, ऑप्शन दोनों हैं। बेटे क्वेश्चन दे रखा है, एक कक्षा के छात्रों की औसत आयु 15.8 वर्ष, कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष है और लड़कियों की 15.4 है, कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्या अनुपात होगा। ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन 1:2, दूसरा है 3:4, 2:3 या 3,
चारों में से कौन सा सही है जल्दी से बताएं। बेटे जो भी आंसर बनता है कमेंट पर रिप्लाई करते रहें सभी। पहले देखो एलिगेशन अप्लाई होगा जाएगा सर, क्यों जाएगा? क्योंकि लड़कों का एवरेज अलग है, लड़कियों का अलग है, और साथ में पूरी कक्षा का भी हमें दे रखा है, तो हम एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं। लड़कों का एवरेज कितना बेटे? लड़कों का है 16.4, लड़कियों का 15.4, और पूरी कक्षा का बेटे 15.4। अब डिफरेंस की बात करेंगे, इन दोनों में कितने का अंतर होगा बेटे? 15.8 से 16 के लिए 0.2 का हो गया, और 16 से कितना ज्यादा है? 0.4। कितने का डिफरेंस होगा? 0.6 का। और इन दोनों में कितने का आएगा? 15.4 से 15.8 इट मीन 0.4 का। दोनों संख्याओं में पॉइंट है और दोनों में पॉइंट के बाद एक ही अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। दो से डिवाइड बेटे दो पे, और दो से डिवाइड तीन पे, तो हमारा बनेगा 2:3। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्लियर? आगे बेटे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटे, एक कक्षा में, एक परीक्षा में लड़कियों का औसत स्कोर 73 है। एक पेपर चल रहा है जिसमें लड़कियों का एवरेज है 73 और लड़कों का 71 है। पूरी कक्षा का औसत अंक 71.8 है, तो लड़कियों का परसेंट ज्ञात कीजिए। बेटे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग करिए, इसमें रेशो नहीं पूछा है आपसे, रेशो ने पूछ के क्या पूछ लिया? लड़कियों का परसेंटेज पूछा है कि कितने परसेंट लड़कियां हैं। ऑप्शन 40, 50, 55 या फिर 60, क्या बन रहा है आंसर? बताइए। सारे क्वेश्चन एक ही तरीके के चल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी चेंजिंग है। बेटे सबसे पहले इंपॉर्टेंट, एलिगेशन अप्लाई होगा या नहीं होगा? हो जाएगा, क्योंकि लड़कियों का एवरेज अलग है, लड़कों का अलग है, और पूरी कक्षा का एक साथ दे रखा है। तो लड़कियों का एवरेज कितना है? 73, और लड़कों का 71, और पूरी कक्षा का एवरेज है हमारा 71.8। डिफरेंस की बात करेंगे, कितने का डिफरेंस बनेगा इन दोनों में? तो 1.2 का माइनस कर लेंगे, क्योंकि 71 से 72 जाने के लिए यहां पे 0.2 की कमी है, और 72 से 73 जाएंगे तो 1 की कमी है, तो 1.2 का आएगा। इन दोनों में डिफरेंस है बेटे 0.8 का। दोनों में पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 4×2 = 8 और 4×3 = 12, तो हमारा रेशो निकल के आ गया बेटे 2:1। इसका अर्थ क्या होगा कि क्लास में 2 लड़कियां हैं और 3 लड़के, है ना? क्लास में लड़की कितनी है? 2, लड़के कितने हैं? 3। बेटे टोटल विद्यार्थी कितने आएंगे फिर हमारे? टोटल हो जाएंगे 2 और 3 = 5, और 2 लड़की 3 लड़के हैं, टोटल कितने हो जाएंगे? 5। अब हमें परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज किसका? लड़कियों का। तो बेटे जिसका परसेंटेज निकाला जाता है उसकी संख्या को ऊपर रखेंगे, तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 2 अपॉन में टोटल 5, परसेंटेज के लिए तो होगा 5 से डिवाइड 20 पे, और 20×2 क्या हो जाएगा? 40%। बेटे तो परसेंटेज निकालने के लिए पहले आपको उनका रेशो निकालना पड़ेगा कि रेशो क्या आएगा। रेशो आने के बाद टोटल बन जाएगा कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, और जिसकी परसेंटेज निकालनी होती है उसी संख्या को ऊपर रखते हैं
डिवाइड में आता है टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं इसमें, 5 है, और परसेंटेज लगाने के लिए इनटू में आएगा आपका 100, 5 से डिवाइड 20 पे, और 20 दूनी 40% आपका आंसर होगा, और यहां पर आपका ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है बेटे, आगे क्वेश्चन। एक कक्षा में 50 छात्रों के औसत अंक 72 है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 50 है, उनका एवरेज कितना है, 72, 72। उस विषय में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक 70 और 75 है, लड़कों का 70 है, लड़कियों का 75 है, तो आपको कंफर्म करना है कि कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है, कि टोटल विद्यार्थी तो 50 हैं, इनमें से लड़के कितने हैं, ये आपको रिप्लाई करना है। ऑप्शन 20, 25, 35 या फिर 30। तो क्या करना होगा इसमें, सेम है, पहले आपको रेशो निकालना होगा, और रेशो निकालेंगे कैसे, एलिगेशन अप्लाई करके। अरे पहले रेशो निकाल देंगे एलिगेशन अप्लाई करके, तो लड़कों का एवरेज कितना है, 70, और लड़कियों का 75, और सभी का दे रखा है 72। डिफरेंस की बात करते हैं, दोनों में डिफरेंस 3 का है, और यहां पर दोनों में डिफरेंस बेटे 2 का है। इसका अर्थ क्या हो गया कि कक्षा में 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, तो टोटल विद्यार्थी कितने बनेंगे बेटे, फिर ये 5 बनेंगे, लेकिन टोटल है कितने, टोटल बेटे कितने, 50। रेशो का सम आया 5, लेकिन टोटल एक्चुअल में कितने, 50। एक यूनिट का मान कितना बनेगा, 50 बटे में 5, 10 आएगा, एक का मान 10 हो गया, बेटे 3 में गुना कर देंगे 20 हो जाएगा, और 2 में गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कक्षा में 30 तो लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं। अब इसने आंसर पूछा किसका है, लड़कों का, क्या बनेगा हमारा, डी ऑप्शन, 30 लड़के हैं। बेटे संख्या भी कम निकल के आएगी जब पहले रेशो निकल कर, टोटल नंबर दे रखा है तो हमने टोटल कर लिया रेशो का, रेशो का टोटल 5 आएगा, इस 5 यूनिट का मान होगा 50, फिर एक यूनिट का हम मान निकाल देंगे भाग करके 5 से, 10 आएगा, एक यूनिट का जो मान आएगा उसकी गुना कर देंगे रेशो में, रेशो में गुना करने के बाद नंबर बन जाएंगे कि लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। कोई डाउट किसी का, डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर बताएं हमें। आगे बेटे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, एक परीक्षा में 150 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 40 है, एक पेपर चल रहा है जिसमें कितने छात्र हैं, 150, और उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 60 हैं, और अनुत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 20 हैं, तो परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या, बेटे पिछला सा क्वेश्चन हो गया, टोटल छात्र दे रखे हैं, इसमें कुछ पास हुए हैं और कुछ फेल हुए हैं, आपको बस संख्या बतानी है कि 150 में से कितने तो पास हुए और कितने फेल हुए। ऑप्शन पास होने वालों के 25, 75, 50 या फिर 100 होगा, इनमें से आपको रिप्लाई करना है, जो भी आंसर आपका बनेगा वो हमें कमेंट बताएंगे, ये आप ही को करना है बेटे क्वेश्चन। आगे बेटे क्वेश्चन, 600 छात्रों वाले एक स्कूल में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है, यदि विद्यालय की औसत आयु, विद्यालय के बेटे सभी छात्रों की औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने है, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी, फिर से पिछला सा क्वेश्चन है, लेकिन ये एज की बात कर रहा है तो वर्ष और महीने में है, आपको सही तरीके से माइनस करना होगा अगर हम डिफरेंस की बात करते। ऑप्शन बेटे, पहला ऑप्शन 450, 250, 150 या फिर 350, बनाओ आंसर क्या बनता है, कोशिश करो।
बेटे लड़कों का एवरेज कितना है? 12 है, और लड़कियों का कितना है? 4 और पूरी कक्षा के सभी छात्रों का एवरेज है 11 वर्ष 9 महीने। तो बेटे इन दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा? 3 महीने का होगा, 11 वर्ष 9 महीने, तो पूरे 12 वर्ष होने में 3 महीने की कमी है, और इन दोनों में डिफरेंस कितने का होगा बेटे? 9 महीने का होगा। रेशो बना लेंगे 3 से 1, 3 से, बेटे 3 लड़के हैं तो 1 लड़की है, टोटल विद्यार्थी कितने बनेंगे? 4। टोटल है कितने? 600। एक यूनिट का मान 600 बटे में 4 डिवाइड करके हो जाएगा हमारा ये 150। 150 का मल्टीपल कर देंगे 450, और इधर कितना जाएगा? 150। अब आंसर किसका देना है? लड़कियों का, तो कितना बनेगा? 150। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पे? सी सही होगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बेटे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 10 गेंदे हैं, उनमें से कुछ लाल और अन्य सफेद हैं। सभी गेंदों की औसत कीमत 28 रुपये, लाल गेंदों की 25 और सफेद गेंदों की 30 रुपये है, तो आपको रिप्लाई करना है कि सफेद गेंद कितने। ऑप्शन 3, 5, 6 या फिर 7, ये आपको रिप्लाई करना है। बेटे फिर से पिछला ही क्वेश्चन बनेगा, टोटल 10 गेंद है, 2 ग्रुप कर दिए, एक लाल और एक सफेद। तो लाल गेंद का औसत कितना बेटे? लाल का है आपका 25, और सफेद का कितना है? व्हाइट का 30, और सभी गेंदों का कितना है? 28। डिफरेंस की अगर बात करेंगे 3 का होगा, और यहां पे डिफरेंस आपका 2 का होगा, तो उनका जो रेशो होगा 2:3 होगा। कहने का अर्थ है 2 रेड बॉल हैं तो 3 व्हाइट है। टोटल कितना बनेगा बेटे? टोटल आएंगे 5 2 3 5। टोटल है कितनी? 10। 5 का मान 10 हो गया, 1 का मान निकाल देंगे, 10 बटे में 5 तो आएगा। पूछा है सफेद गेंद, और सफेद गेंद कितनी बेटे हमारी? सफेद गेंद का रेशो 3, 3 में गुना कर देंगे 2 से 6 हो जाएगा, तो हमारी सफेद गेंद आएंगे बेटे निकल के यहां से 6। सी ऑप्शन क्लियर बेटे? एलिगेशन समझ में आ गया होगा आपको कि कब अप्लाई करना है और क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। या तो रेशो पूछेगा, या परसेंटेज पूछेगा, या फिर नंबर देके नंबर फाइंड कराएगा कि कितने क्या है। बेटे क्वेश्चन अगला, एक स्कूल के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 10,000 रुपये है, 20 शिक्षण कर्मचारियों का औसत वेतन 12,000 रुपये है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, 12,000 यहां पे आएगा, और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए 5,000 रुपये है, तो नॉन टीचिंग स्टाफ की संख्या कितनी है? इट मींस गैर शिक्षण वाले कितने कर्मचारी हैं? ऑप्शन 7, 10, 8 या 12। नाउ आंसर क्या बन रहा है बेटे? तो एक स्कूल है जिसमें
एक टीचर होते हैं, बाकी कुछ और कर्मचारी और हैं। टीचर्स का जो वेतन है वो कितना है एवरेज? 12,000 है। तो टीचर के अलावा और हैं उनका एवरेज बेटे 5,000। तो अध्यापक हैं, टीचर हैं, उनका 12,000। जो टीचर के अलावा एनोदर पर्सन है उनका कितना है? 5,000। और सभी का एवरेज कितना है? 10,000। डिफरेंस की बात करेंगे, 5,000 और यहां पे जो डिफरेंस होगा 2,000 आएगा। तीनों जीरो कैंसिल, रेशो बनेगा 5 और 2। अब इसने बोला था कि 20 नंबर दे रखे किसके बेटे? शिक्षण कर्मचारी। 20 जो है वो टीचिंग स्टाफ है, टोटल नहीं है अब की बार 20। 20 डिनोट कर रहा है केवल टीचर को। इट मींस 5 यूनिट की वैल्यू 20 है। केवल जो बेटे 20 नंबर दे रखे हैं वो कौन है? टीचर हैं। और टीचर के रेशो कितना है? 5। 5 का मान 20 हो गया, 1 का मान क्या आएगा? भाग करके बेटे 4 आ जाएगा, 20 को 5 से भाग कर देंगे। अब पूछा क्या है? नॉन टीचिंग स्टाफ, इट मींस 2। 2 का मान क्या बनेगा बेटे? 400 गुना कर देंगे, 2 चौक 8। तो नॉन टीचिंग जो स्टाफ है बेटे उनकी संख्या क्या होगी? 8 होगी। अगर पूछ लेता कि कुल कितने हैं स्कूल में टीचर और नॉन टीचर को मिला के, फिर आंसर आएगा आपका 8 और 20 28। तो 20 तो टीचर हैं, 8 एनोदर हैं, कर्मचारी हैं, जो टोटल आएगा फिर 28। लेकिन इसने पूछा है केवल नॉन टीचिंग स्टाफ, तो हमारा यहाँ पे 8 आंसर सही होगा। ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, क्लियर है? वीडियो क्लास को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। तो आज मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं एवरेज में एलिगेशन के ऊपर कराए हैं कि रेशो फाइंड होता है, रेशो फाइंड होने के बाद परसेंटेज पूछ लेगा या फिर आपसे नंबर पूछे। और नंबर निकालने के लिए नंबर का होना जरूरी है, या तो टोटल नंबर दे रखा होगा या किसी एक के बारे में बता रखा होगा। ठीक है, थैंक यू बेटे। दूसरा, अगर आपको क्लासेज अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों पर जरूर शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब भी कराएं। थैंक यू।